श्री मुक्तसर साहब विखे दसवें गुरु गोबिंद सिंह जी और 40 मुक्तियां दी मुगलां नाल होई फैसलाकुन जंग विच अहम भूमिका निभाउण वाली माई भागो की याद विच बनिया माता पाक और हैरीटेज पार्क अनदेखी दे चलदिआं खंडर बन चुकिआ है, बल्कि इस दे गेट दे बाहर कूड़े का डंप भी बना दिता गया है, जिथे हर वेले मूँह मारदे आवारा पशु पार्क की इतिहासकता खेरू खेरू कर रहे हैं। इतने ही आने जाने वाले लोगों भी खतरा बने हुए हैं, बल्कि इन्होंने पशुओं के कारण पार्क के गेट का रस्ता भी मुकम्मल तौर पर रुकिया पाया। हालांकि श्री मुक्तसर साहब विखे चाल संभालन तो बाद डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदर वालों शहर का दौरा करन दौरान इस पार्क की दिशा में भी सुधारन वास्ते नगर कौंसल के अधिकारियों को हदायतें जारी कीतियां सन, पर इन्हां हदायतों तो बाद पार्क की दशा होर भी बदतर हुई दिखाई दी है। पार्क के लगियां मूर्तियां जिथे खंडर हो चुकिया ने उत्थे ही ओपन आडिटोरियम की दशा भी किसी खंडर तो घट नहीं है। इत्थे यह भी दसणयोग है कि निर्माण कार्य तो बाद इस पार्क का हाले तक उद्घाटन नहीं हो चुका, पर संबंधित विभाग की लापरवाही अनदेखी के चलद उद्घाटन लिए तरस रहा है पार्क खंडर बन चुका है। पार्क के रख रखाव के बूटों की देखभाल सिर्फ एक ही मानी का प्रबंध है, ज्यादातर आगे हैरीटेज पार्क की इस पार्क की दशा सुधार मरम्मत करवाने माली का खास प्रबंध करने ही सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगाने की मांग की है। माता जी सरकार नू या प्रशासन नू की कहना चाहते हो भी आवारा पशु है जिहड़े पार्क के बाहर इत्थे लोकां दा बुरा हाल कर रहे हैं? श्री मुक्तसर साहब के इतिहास में देखिए तो माता भाग कौर है जी, उन्होंने इत्थे काफ़ी मतलब दशम गुरु ते 40 मुक्तियां ते मुगलों की जी लड़ाई हुई थी अहम भूमिका अदा की थी, तो उन्होंने नाम से जो पार्क बनया उनकी बेअदगी तो अनदेखी हो रही है, उस बारे तुहाडा की कहना है जी? इस पार्क के कोई साफ संभाल नहीं हिल होना मतलब इतने कोई साफ संभाल नहीं गई, इकट्ठे फिर वाधू फिरते लड़ते फिरते हैं, लोगों की जान का खतरा बनया हो सारा गोहा ही गोहा पै इतने जरूरिया सारे शहर का कूड़ा इतने लिया के डंप किया जाता है। पार्क के भी इन्होंने एक खाद बनाने प्रोजेक्ट बनाया जिहड़ा कि पार्क के लोग शुद्ध हवा चाहते हैं, इन्होंने उत्थे कूड़ा सट के वो रेह तैयार करने का एक सिस्टम बनाया होया। असी तो कमेटी भी बहुत जा जाके वेख लिया, उन्होंने इतने बुला के बिखा लिया, पर यह कोई हल नहीं कर रहे भाई। चाहिए तो इतने की नहीं हो सकता, सरकार चाहन तो की नहीं कर सकती, इतने साफ सफाई चौकीदार हर एक बंदे की लोड़ है जी, रोज़गार मिलता सब कुछ होता इतने, पर कुछ नहीं हो रहा, सरकार निकम्मिया हो चुकी, सरकार फेल हो चुकी, पता नहीं असी लोग अन्ने हो चुके, पता नहीं सरकार अन्नियाँ हो चुकी जो कुछ नहीं करते, वे समय तो बाहर होया वे, सरकार कुछ जीता नहीं, रोज़ के इतने वोट मंगने वास्ते आते हैं पर उन्होंने ये नहीं दिखता, पता नहीं किस लिहाज में कि मूँह न इतने वोट मंगने वास्ते आते हैं, उन्होंने ये नहीं, उन्होंने शर्म नहीं आती सरकार यार, समझ नहीं आती सरकार की सोच के साथ वोट मंगने आती है, सरकार की कर रही है समझ तो बाहर है, एड्डी बेअदबी हो रही है इस पार्क की यार, एड्डी उच्ची शख्सियत की पार्क है यार, इन्ना वड्डा नाम लिखा है माता भागपुर का पार्क है, ये लोगों को जमा शर्म नहीं हैगी, सरकार को जमा शर्म नहीं आ रही भी असं की कर रहे लोगों वास्ते, आ पार्क का सुधार नहीं कर सकते यार, बड़ी छोटी जी मंग है साड़ी, इतो ठे वेखो पार्क के अगर तुम दिखाओ पत्र कर दो कि गंद पाया हुआ जी, इस पार्क की सिक्योरिटी लिए सूँ एक चौकीदार जरूरी आ,
और ये इन्ना ज़्यादा गंद है कि असी आप भी सानू दुकाना बहना बहुत औखा हो चुका है। और यदि सांभ संभाल कमेटी को असी दो तीन बार गए हैं पर कमेटी ने साड़ी कोई गल नहीं सुनी। तो असी यही चाहते हैं तुहाडे राही मीडिया राही तुसी इस बारे पूरी उन्होंने कमेटी की जानकारी दो और उन्होंने विखाओ चीज़ इतने लड़ाई किमें होंगी आ। और शाम को जो इतने लेडीज सब्जी लैके टपदियाँ सब्जी मंडी नाल होने करके ढट्ठे इतने दिन दो तो तीन बार लड़ते हैं और जनानियों भी बहुत औखा टपना इतों उन्होंने जान मार का बहुत ज़्यादा खतरा बनया हुआ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਇਹ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਰਕ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਢੱਠੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗੰਦ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਵਾੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਗੇਟ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉੱਛਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਰੂੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ।